हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक और नया गाड़ी लेकर के आया हूँ, काइगर रेनॉल्ट की। तो आप देख सकते हैं ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, काफ़ी बड़ी लगती है देखने में। और आपको इंडिया में अभी एसयूवी कम प्राइस में आपको, मतलब चीप एंड बेस्ट रेट में आपको रेनॉल्ट ही आपको दे सकती है, जो कि ये आपके सामने दिख रही है, ये एसयूवी है। तो इसका फ्रंट प्रोफाइल पे पहले नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी मस्कुलर और अट्रैक्टिव लुक आपको देखने को मिल जाती है कंपनी की तरफ से, काफ़ी अच्छी डिजाइन दी गई है इस गाड़ी को। और यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाता है LED DRL देखने को, और साथ में यहाँ पे एक टर्न लाइट मिल जाता है और प्योर विजन LED लाइट्स मिल जाती है आपको 3 रो में देखने को। और अंदर कुछ क्रोम फिनिशिंग और ब्लैक फिनिशिंग मिल जाता है, काफ़ी सुंदर लग रही है गाड़ी देखने में। और इसके नीचे कुछ ब्लैक फिनिशिंग दी गई है पूरा उस साइड तक, इस साइड से काफ़ी प्यारी लग रही है देखने में गाड़ी। और इसका बोनट का कुछ ये डिजाइन देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी लगती है फ्रंट प्रोफाइल से भी। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग की काम की गई ग्रिल में, और ये रेनॉल्ट की बड़ी सी एकदम क्रोम फिनिशिंग में लोगो मिल जाता है, और इधर भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाता है, और इस साइड भी आपको LED मिल जाता है इधर DRL, और नीचे LED लाइट्स मिल जाता है देखने को। तो स्पेस कम है फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर भी देख सकते हैं इसका कुछ फ्रंट लुक कुछ ऐसी है। और बीच में आपको नंबर प्लेट का सेंटर मिल जाता है, और इसके नीचे कुछ ये डिजाइन मिल जाता है ऐसे लंबा सा। और यहाँ पे एक बोनट पे आपको वाशर देखने को मिल जाता है और 2 वाइपर्स, और ऊपर में आपको रूफ रेल मिल जाता है देखने को। और ये गाड़ी आपको अगर ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है तो ये गाड़ी कंपनी ब्लैक में भी आपको दे देगी, और डुअल टोन कलर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका कुछ साइड प्रोफाइल देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये काफ़ी बड़ी सी लगती है देखने में, और इसकी डायमंड कट अलॉय मिल जाती है देखने को। और यहाँ पर आपको ग्लाइडिंग मिल जाता है देखने को, SUV टाइप में लगेगा देखने में आपको। और यहाँ पर कुछ ब्लैक फिनिशिंग की डिज़ाइन दी गई है, और ये ऑटोमेटिक ORB में आपको देखने को मिल जाता है विद LED टर्न इंडिकेटर, पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। और यहाँ पे MRF कंपनी की टायर मिल जाती है डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ, बीच में आपको रेनॉल्ट की लोगो, फ्रंट में डिस्क मिल जाता है देखने को। और इसकी टायर साइज है 195/60/16 की आपको इसकी टायर प्रोफाइल मिल जाती है, और ऊपर में आपको मिल जाता है एक रूफ रेल और पीछे शार्क एंटीना, और ये ब्लैक फिनिशिंग में इसकी डोर हैंडल मिल जाता है देखने को, ड्राइवर डोर हैंडल भी, और साथ में यहाँ की स्लॉट मिल जाता है, और नीचे आपको एक क्लैडिंग मिल जाती है क्लैडिंग देखने को, और पीछे में भी आपको अलाइवल मिल जाता है। और 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी, और ऊपर में भी कुछ ये डिजाइन दी गई है। और ये बी पिलर में आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाता है, और पीछे में भी आपको MRF की टायर मिल जाती है 16 इंच की। आ जाते हैं अब इसकी रेयर प्रोफाइल पे, देख सकते हैं इसकी कुछ रेयर प्रोफाइल ऐसी है। आपको इसमें आपको LED टेल लाइट मिल जाता है देखने को, और रिवर्स पार्किंग लाइट मिल जाता है, और टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाता है कुछ इस टाइप में डिजाइन में, और रेनॉल्ट की बैजिंग मिल जाती है देखने को, और यहाँ पे काइगर का बैजिंग मिल जाता है, और पीछे में आपको रेयर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा रेनॉल्ट की लोगो, और ये आपको मिल जाता है यहाँ पे LED हाई माउंट स्टॉप लैंप्स मिल जाता है देखने को। और ये स्पॉइलर काफ़ी स्पोर्टी लगती है देखने में, बीच में कुछ ऐसा डिजाइन है और साइड में कुछ इस टाइप में। और एक बार मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का जगह मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ सिल्वर फिनिशिंग की काम की गई है, काफ़ी अच्छी गुड लुकिंग दे रही है गाड़ी, स्पोर्टी लगती है पीछे से देखने में। यहाँ पे आपको रेयर वाइपर मिल जाता है देखने को, और डिफॉगर ये सब आपको नहीं मिलता है, मिलना चाहिए था। और यहाँ पे LED टेल लाइट्स मिल जाती है आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप वाली, और ये स्पॉइलर। बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की, तो गाड़ी की टोटल लंबाई है 3991 mm, और गाड़ी की चौड़ाई है 1750 mm, गाड़ी की ऊंचाई है 1605 mm, और आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाती है 205 mm की, जो कि काफ़ी अच्छी है, आप गड्ढे वगैरह से आराम से निकाल पाओगे। और व्हील बेस है
2500 mm की, और गाड़ी की कर्ब वेट है 1021 kg, मतलब 1 टन प्लस इसकी वेट है गाड़ी की। और सेफ्टी में फ्रेंड्स आपको मिल जाता है 4 एयरबैग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन चेक वार्निंग लाइट, EBD, और भी बहुत सारी फीचर्स मिल जाती है। और बेस मॉडल का कीमत है इसका एक्स शोरूम 6,50,000, टॉप मॉडल का जाता है 8,80,000। और अगर आप डुअल टोन AMT वगैरह लेना चाहेंगे तो आपका एक्स शोरूम 10 लाख के आसपास भी जा सकता है। बूट स्पेस इसमें आपको 405 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। नीचे में एक बटन मिल जाती है, उसको प्रेस करना होता है, ये ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है। और पीछे में आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 405 लीटर के बूट स्पेस मिल जाती है देखने को। और इधर हुक मिल जाता है फ्रेंड्स देखने को, और इधर भी हुक, दो हुक आपको मिल जाती है। इमरजेंसी ट्रायंगल मिल जाता है, और ये स्टील व्हील मिल जाती है जो कि सीएट कंपनी की है, और इसकी टायर साइज है 1 सेकेंड। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑल फोर फोर विंडो की कंट्रोल्स, ऑटो बटन और ग्लास लॉक अनलॉक की बटन, ORBM की कंट्रोल्स, और ये कुछ इसकी हैंडल मिल जाती है पकड़ने के लिए, और ये हैंड रेस्ट। और यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर में आपको इंटीरियर मिल जाता है देखने को, और ये लॉक करने की बटन और अनलॉक करने की यहाँ पे हैंडल, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है देखने को, स्पीकर मिल जाएगा देखने को, और ये इसकी एडजस्टेबल फैब्रिक फिनिशिंग में सीट है, एडजस्ट कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपको फ्यूल लीवर मिल जाता है देखने को, और यहाँ पे बोनट लीवर, हाँ यहाँ पे इसके नीचे बोनट लीवर मिल जाता है देखने को। और यहाँ पे हेडलाइट्स की कुछ कंट्रोल्स मिल जाती है देखने को, और ये जैसा कि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ आती है गाड़ी, तो इसमें आपको यहाँ पे की स्लॉट नहीं मिला, ये इसकी स्मार्ट एक्सेस कार्ड की है, देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक की बटन मिल जाती है, बूट ओपन करने के लिए बटन मिल जाएगी, और ये लाइट्स ऑन करने के लिए बटन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये इसका कुछ इंटीरियर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे गोल्डन फिनिशिंग मिल जाता है एसी के पास, और यहाँ पे लंबा सा लाइनिंग मिल जाती है गोल्ड फिनिशिंग की, और ये 8 इंच की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विथ एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। और यहाँ पे आपको एसी मिल जाता है कुछ, और ये हजार लाइट की बटन, लॉक अनलॉक की बटन, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल, USB पॉइंट, इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन, क्रोम फिनिशिंग के साथ स्टोरेज मिल जाता है, मोबाइल्स वगैरह आप यहाँ पे रख पाएंगे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, कुछ इसकी गियर देख सकते हैं, क्रोम फिनिशिंग विथ पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है, और नीचे में आपको लेदर नॉब मिल जाता है देखने को, और ये ऐसे स्लाइड होती है, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है देखने को। और ये इसकी आर्मरेस्ट कुछ लेदर फिनिशिंग में है, और ये इसकी हैंड ब्रेक देख पा रहे होंगे, और इसकी फैब्रिक फिनिशिंग में यहाँ पे सीट मिल जाता है देखने को एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। और यहाँ पे आपको केबिन लाइट्स मिल जाता है, येलो वाला LED वाला देना चाहिए थे कंपनी को, और देख सकते हैं काफ़ी बड़ी इसकी आपको डिस्प्ले मिल जाता है देखने को। और यहाँ पे इसकी मीटर जो कि डिजिटल है, और इधर आपको RPM शो करती है, और यहाँ पे इंजन हीटिंग, फ्यूल, स्पीड, एवरेज, और कितने किलोमीटर चली है, ट्रिप वगैरह सारा कुछ। और ऊपर आपको रेनॉल्ट का बैजिंग मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट की कुछ कंट्रोल्स मिल जाएगी, और यहाँ पे SRP एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है देखने को, और ये इसकी रेनॉल्ट की यहाँ पे लोगो, और इधर कुछ भी कंट्रोल्स नहीं मिलता, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। और मीटर में काफ़ी प्रीमियम लगती है इसकी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में देख सकते हैं यहाँ पे। वाइपर्स की कंट्रोल्स मिल जाती है देखने को, और राइट साइड में मिल जाता है आपको हेडलाइट्स का कंट्रोल, और ऊपर में आपको मिल जाता है ये सन वाइजर, यहाँ पे कोई भी मिरर नहीं है, यहाँ पे आपको मिरर मिल गई है। और एयरबैग का यहाँ पे बैजिंग है, मैनुअल IRBM मिल जाता है आपको, और ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है देखने को, और इधर भी आपको पावर विंडो, और ये हैंड रेस्ट अनलॉक करने की हैंडल, स्पीकर, बॉटल होल्डर, ये सारी कुछ मिल जाती है। और इसमें आपको ट्विन ग्लव बॉक्स मिल जाता है देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और इसमें फर्स्ट एड किट ये सब मिल जाती है, और ऊपर में भी आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है देखने को। और ये है इसकी कुछ रेयर सीट, बीच में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है देख सकते हैं, और इसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है, इधर आप पेन वगैरह रख पाएंगे जिस टाइप में स्पेस दिया हुआ है। और इधर भी आपको मिल जाता है पावर विंडो की कंट्रोल्स, ट्विटर, अनलॉक करने की हैंडल, लॉक करने की स्विच, ग्रैब हैंडल,
और बीच में रेयर पैसेंजर के लिए केबिन लाइट्स और यहाँ पे स्पीकर। अब चलते हैं पीछे की ओर और पीछे से ही मैं आपको जानकारी देता हूँ। ब्लैक फिनिशिंग में आपको मिल जाता है इसका डोर हैंडल और यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल्स मिल जाता है। डुअल टोन इंटीरियर है, यहाँ पे गोल्ड फिनिशिंग मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम आपको फील देगी जब आप इसे देखोगे। और यहाँ पे चाइल्ड लॉक मिल जाता है देखने को और इसकी बिल्ड क्वालिटी है 4 स्टार। सेफ्टी रेटिंग इसकी मिल चुकी है गाड़ी को और 4 एयरबैग के साथ आती है जैसे कि मैं आपको पहले बताया था। और यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है और स्पीकर, बॉटल होल्डर और ये इसकी कुछ सीट। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है देखने को और दो यहाँ पे आपको मिल जाता है कप होल्डर और पीछे पार्सल ट्रे में आपको स्पेस मिल जाता है। मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच। मैं आपको बैठ करके दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी लेग स्पेस बच गई है। पीछे आपको एसी वेंट्स मिल जाता है और 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है देखने को। और ये इसके कुछ इंटीरियर मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ। इंटीरियर देख पा रहे होंगे, इसका इंटीरियर कुछ काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। और ये रेनॉल्ट काइगर RXT ऑप्शनल है 6.2 और इसकी ऑन रोड प्राइस है 9,40,000 विथआउट एसेसरीज। और इंजन आपको मिल जाती है 1.0 लीटर एनर्जी 999 cc 3 सिलेंडर की मैनुअल 5 स्पीड के साथ और मैक्स पावर गाड़ी जनरेट करती है 71.01 bhp 6,250 rpm पे और मैक्स टॉर्क जनरेट करती है 96 Nm 3,500 rpm पे। और ऊपर में आपको मिल जाता है नॉइज इंसुलेशन और ये इसकी कुछ इंजन 3 सिलेंडर वाली। माइलेज आपको आराम से 20 छोड़ देगी गाड़ी और साथ में आपको एमरॉन की बैटरी मिल जाती है देखने को। इसका भी बिल्ड क्वालिटी टाटा से कम नहीं है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है।